नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहाँ नगर निगम जोन 5 के कार्यालय पर जनसमस्याओं को लेकर गीतापल्ली वार्ड की पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा ने क्षेत्र की जनता के साथ जमकर हंगामा काटा। पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने हाथ में मटका लिए। पेयजल की समस्या को लेकर पहले जोन 5 के जलकल विभाग का घेराव कर मटके फोड़े, फिर उसके बाद वार्ड में गंदगी और जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम जोन 5 के कार्यालय का घेराव किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। गीतापल्ली वार्ड की पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं सहित क्षेत्र के लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर जलकल कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने नगर निगम जोन 5 के जोनल अधिकारी नंदकिशोर की गाड़ी को रोककर काफी देर तक हंगामा काटा। मौके पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने नगर निगम जोन 5 के जोनल अधिकारी को गाड़ी को भी रोक दिया। कुछ देर हंगामा करने के बाद क्षेत्र के लोग जलकल विभाग के कार्यालय में घुस गए और जमकर नारेबाजी की और जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता से बात करने की मांग करने लगे। गुस्साए क्षेत्र के लोगों ने अधिशासी अभियंता के टेबल पर खाली मटके रखकर पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। हंगामे की सूचना मिलते ही कार्यालय पहुंचे जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर सचिन सिंह यादव ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान महिलाओं ने अधिशासी अभियंता को खूब खरी खोटी सुनाई। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोग बदबूदार गंदा पानी पीने को विवश हैं और विभाग कुंभकर्णी नींद में लीन है। लोग बीमार हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कड़ी मशक्कत के बाद अधिशासी अभियंता सचिन सिंह यादव ने लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पेयजल की समस्या को समाप्त कर लिया जाएगा। कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था है तो फौरी तौर पर राहत देने के लिए वार्ड में कई जगह पानी के टैंकर खड़े किए जाएंगे। इसके बाद पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा ने जलकल विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में पेयजल की समस्या समाप्त नहीं हुई तो वो क्षेत्र की जनता की नाराजगी नहीं रोक पाएंगे। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने जलकल विभाग के गेट पर मटके भी फोड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आलमबाग के गीतापल्ली में जन समस्याओं को लेकर, जल की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय का जहां दफ्तर घेरा गया है, वहीं स्थानीय पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में महिलाएं, क्षेत्र के लोग यहां इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। इन लोगों ने जल निगम कार्यालय का आज घेराव किया है। इसी क्रम में पार्षद महोदय यहाँ पे है, मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं ऋचा आदर्श मिश्रा गीतापल्ली वार्ड 54 से आज यहाँ अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से यहाँ जल निगम के और सब सफाई से संबंधित के बारे में बात करने के लिए आई हूँ कि जो कि इस समय जो समस्या चल रही है सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है और कुछ ही दिनों में बारिश का भी मौसम आ ही रहा है, अभी हुई नहीं है लेकिन जैसे ही बारिश होगी वैसे ही नालों अपने उफान पर आ जाएंगे। और हमारे ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारे पिछले साल से जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र में दो बड़े नलकूप की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसका हमने ज्ञापन जुलाई में भी दिया था और उस बजट का हवाला देते हुए कि फरवरी तक ये हो जाएगा और वो अभी एक साल कार्यकाल पूरा भी हो गया है और उस बारे में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और ये सबको पता है कि जोन 5 में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और साफ सफाई की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, ये हमारे, ये आप देख लिए 20/9/23 का है, ये पिछले साल का है जो कि जल की ही समस्या से साकेतपुरी वार्ड का है जहाँ पे बदबूदार पानी है और पाइप लाइने जो है वो इतनी दूर है घरों से और वो नाली से होते हुए आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। उसकी वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, सारी पाइप लाइने जो उसमें नालियों के अंदर से बिछी हुई हैं घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, पहुंचता है तो बदबूदार पानी और कीड़े मकोड़ों वाला पानी पहुंचता है। मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहती हूं कि यहां जो अधिकारी बैठते हैं वो 2 महीने हम लोग के किसी भी वार्ड में, आप किसी भी वार्ड में वो कहते हैं कि बस 2 महीने की बात है, 2-3 महीने की फिर सब सही हो जाएगा, बारिश बीत जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा, जरा वो 2 महीने वार्डों में आके रह के दिखा दे मुझे। तो 1 घंटे से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जल निगम से लेके नगर निगम के दफ्तर जी, क्या कोई अधिकारी वार्ता के लिए आया? अभी तक कोई नहीं आया। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, आप भाजपा से पार्षद हैं और भाजपा की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी आप लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। हमारा एक साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, जो हमने ज्ञापन पिछले साल दिए थे जब अभी तक उन पर कोई कार्रवाई अभी तक जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर से हाथ फेर के और काम कर देना ऊपर से दिखावे के तौर पर, तो वो काम नहीं होगा। मैं यही तो कह रही हूँ कि जरा वो 2 महीने वार्ड में आके रह के दिखाएं कि कैसे हम क्षेत्रवासियों को पानी की समस्याओं से या साफ सफाई की
समस्याओं से जूझना पड़ता है। किस तरह का पानी आता है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय कितनी बीमारियां फैल रही हैं, जाम हो रही है, टंकियों में पानी नहीं है। आप बताइए, टैंकर मंगा के कहते टैंकर मंगा लीजिए, टैंकर का पैसा कौन देगा? टैंकर, आम आदमी टैंकर का रोज मंगा के पैसा दे सकता है? कब तक वो टैंकर मंगा के पानी की अपनी पूर्ति करता रहेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटका लेके ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी दो, क्षेत्र के लोग पानी मांग रहे हैं नगर निगम विभाग से, जलकल विभाग से, जल निगम से, किंतु आज इन लोगों को जहां सरकार शुद्ध पेयजल के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं आज देखा जा रहा है लखनऊ नगर निगम जोन 5 के गीतापल्ली वार्ड में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बूंद बूंद पानी बचाने की जहाँ तक बात होती है, वहाँ इन लोग को पानी मुयस्सर नहीं हो रहा है। पानी घर में आ रहा है तो नालियों का गंदा पानी आ रहा है टोटियों में, जिससे क्षेत्र के लोग बीमार हो रहे हैं। इसी क्रम में और भी महिलाएं, इनसे भी बात करेंगे। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ इतना बिल आ रहा है पानी का, बिजली का, चला चला के टुल्लू जल रहे हैं, टंकियों में सब बालू की वो जम गई है, बहुत परेशान हुए हैं। तब मैंने सभासद को घेरा है, तो सभासद हमको लेकर यहाँ तक आए हैं। रीचा मिश्रा, तो क्या अभी तक कोई आप लोगों से वार्ता करने के लिए नहीं आया? तो ये किस तरह प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं पूरेंगी तो फिर हम 25 तारीख को बृहद रूप में अपना प्रदर्शन करेंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। बात की शिकायत का शासन से मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने की? आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तो हमें उम्मीद है कि उन तक ये बात पहुँचेगी हमारी, तो वो शायद आगे इस बारे में कोई कार्यवाही करने का अपना कदम उठाएंगे। और भी यहाँ पर आप महिलाएं देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारी महिलाएं क्षेत्र की हैं, और ये लोग परेशान हैं कि ये गंदा पानी पी पी के घर के लोग इनके बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? जी आजाद नगर आलमबाग क्षेत्र से हैं। जी बच्चे रात भर, 9 नंबर गली है, बच्चे रात भर जागते हैं, पानी पकड़ा जाते, पूरा दिन पकड़ाते हैं, पूरी रात पकड़ाते, पानी पकड़ता नहीं है। बच्चे रात भर जागते हैं पानी पकड़ाने चक्कर में, पानी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही बच्चों की, प्लस बत्ती बिल बहुत खर्चा हो रहा है और पानी आ नहीं रहा, टिल्लू जल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वयोवृद्ध महिला यहाँ पर है और हाथ में पानी दो का मटका लिए हुए हैं। ये माता जी क्या कहना चाहेंगे? भैया हमको पानी साफ चाहिए। पानी साफ चाहिए? हाँ। मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है, दिक्कत आ रही है। अरे 1.5 महीना से दिक्कत है, पहले गंदे से गंदा गंदा पानी आता है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। जैसा कि देख रहा है कि जल की समस्याओं को लेकर गीतापल्ली वार्ड के लोगों ने जल निगम के दफ्तर का घेराव कर दिया है, दफ्तर के अंदर लोग घुस गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये लोग जल निगम नगर निगम कर्मचारी मुर्दाबाद के तख्तियां भी लगा दिए हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भैया आपका परिचय? भैया हमारे गीतापल्ली वार्ड से है, गौशाला पे पंपिंग सेट है। इतने बार इनसे जैसी शिकायत की गई, वहाँ गांजा बिकता है, दारू बिकती है, अराजक तत्व बैठते हैं, उसी में कब्जा किए हैं, सरकारी बिजली जलाते हैं, सरकारी पिप जेक नाम हमको क्या पता है? नहीं पकड़ा गया सबके। यादव है कौन करके है, कौन है यादव? जय ठाकुर है, कौन जो है जय, जो भी जय हो, हमको नाम नहीं पता। दारू पकड़ा गया, दारू पकड़ा है, आपसे भी बात करना, दारू बिकती है, गांजा बिकता है पंपिंग स्टेशन पे, उसी में फ्रिज चलता है, उसी में हीटर चलता है बिजली विभाग सरकारी, अराजक तत्व बैठते हैं, वहाँ किसी का आना जाना सब मुश्किल है जनता को। तो वहाँ पे तो पंप ऑपरेटरों के भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही है। बिजली वगैरह भी वहाँ पे कटिया कनेक्शन दिया हाँ, कटिया से सब हीटर चलता है, खाना बनता है, मीट मुर्गा बनता है, सब होता है, सारे कर्म होते हैं वहाँ, मोहल्ले का कोई आदमी उधर नहीं जाता। फिलहाल आप यहाँ किसके किसके दफ्तर में आप लोग यहाँ पर हैं? अब एक्सियन को होगा, एक्सियन महोदय के, एक्सियन महोदय के आप दफ्तर में हैं, एक्सियन महोदय से मुलाकात नहीं हुई? इससे पहले फोन में कई बार शिकायत की गई, इनको मौके बुलाया भी गया था, उस दिन हटवाया भी, ताला भी बंद किया गया, फिर ताला तोड़ दिया गया, राजा ने तोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ऐसा है वहाँ गांजा बिकता है, सिटियाबाजी सब कुछ होती, ऐसा कोई काम नहीं कि जो बिकता हो हमारे पार्षद के आगे। मूल समस्या पानी की है, पानी की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? उसी में जय डर दे जाए पूरी पब्लिक मर जाएगी। वहाँ कौन जाएगा? कौन जाएगा वहाँ? एक्शन को मालूम है, जय को मालूम है, सब टोटल कर्मचारियों को मालूम है, क्यों नहीं अधिकारी सबको मालूम है भाई, उसमें सबको मालूम है, ताला लगा तो फिर प्रतिबंध लगा के जो है निकले सभासद क्या गए, सभासद यहाँ आए, आज क्या दिन लोग परेशान है तो यहाँ आए हैं, घर के काम हम छोड़ छाड़ आए हैं, बच्चों को छोड़ कर आधी रात ये रात में पकड़ता है, 3 बजे 4 बजे एक बूंद पानी चार बूंद पड़ती चल पड़ती चली जाती है।
जी, मैं गुरु नानक नगर वार्ड का रहने वाला हूँ और एक हफ्ते से पानी की 10 दिन से समस्या है। जल भराव तो परमानेंट भरा है, ना कोई सफाई कर्मचारी आ रहा, ना पानी वाले कोई देख रहे हैं। हफ्ते भर से पानी गंदा आ रहा है, उसकी शिकायत की जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ, मिनी ट्यूबवेल, उसकी जाली मेरे ख्याल से फटी हुई है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, वो 24-24 घंटे चलाते हैं, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत साफ हो जाता है फिर बंद कर देते हैं, फिर वैसे ही रहता है। अब देखा जा रहा है कि भाजपा के पार्षद भी जो है आज जल निगम के विरोध में उतर पड़ी है, तो क्या भाजपा सरकार में जल निगम के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं? कोई नहीं सुनवाई हो रही है किसी की, इनकी सत्ता पक्ष वालों की, भाजपा वालों की लोग नहीं सुन रहे हैं। कर्मचारी सुनते हो तो सारा काम नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है, कोशिश नहीं हो रहा। देखिए भाजपा के बहुत से लोग खड़े हैं कि मैं किस शब्दों में बयान करूं, पानी के बिना सारा जीवन अधूरा है। एक एक इस गर्मी के माहौल में हम लोगों को एक एक बूंद को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। एक क्या विभाग की कमी है, कैसे इसको पूरा किया जाएगा? आप ही इसकी समस्या का समाधान करें, बताइए कोई रास्ता है कि नहीं है? गंदा भी नहीं आ रहा कि कार हम लोग कैसे जिए। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि शासी अभियंता जलकर विभाग यहां पर आ चुके हैं और के बीच घिरे हुए हैं, जवाब देते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, आज जिस तरह से क्षेत्र की जनता यहां घेराव की है, क्या इनकी समस्याओं का क्या निदान है? एक सप्ताह में पानी की समस्या इसलिए उत्पन्न हुई कि लगातार बिजली की कटौती है, नलकूप की संख्या कम है क्योंकि बहुत कवर्ड एरिया है। इसके लिए बात हुई है, मैं डिप्टी सीएम साहब के यहाँ भी गया था, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि एक CWR हम आजाद नगर टंकी पे, दूसरा CWR जो तुलसी पार्क है उसमें बनाने के लिए डिप्टी सीएम साहब ने भी उसके लिए लेटर लिखा हुआ है और वो मैंने प्रस्ताव भी दिया। कारण है क्योंकि यहाँ बहुत घनी आबादी है, घनी आबादी में अब नलकूप लगने की जगह कम है, तो एक जो पकड़ी का पुल सभी लोगों ने सजेस्ट किया वो नलकूप 15वें वित्त में पड़ा हुआ है, एक राजपूत हॉस्पिटल के सामने मेन रोड पे, क्योंकि और कहीं जगह वहां बची नहीं है। वहां पे अभी हमने एक नलकूप फौजी कॉलोनी में बड़ा लगा हुआ है, जस्ट उसके 20 मीटर पे एक मिनी नलकूप, क्योंकि पार्षद जी ने कहा था वहां समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां लगाया है। अभी जो आप लोगों की समस्या है आजाद नगर में पानी की, क्योंकि आज रात में लाइट 11 बजे गई थी और 3 बजे आई है नलकूप पे, 3 बजे के बाद क्योंकि टंकी 60-70% हो पाई थी, 100% नहीं हो पाई, जिसके कारण लोगों को पानी कम मिला है। उसके कारण अभी वर्तमान में असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग टैंकर तो लगा रहे हैं, परमानेंट व्यवस्था के लिए हम इस पे जो नए नलकूप लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ वाटर लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि 260-270 आज की डेट में कंडीशन से क्रॉस कर रहा है गर्मी की वजह से। तो 5 MLD पानी जो कभी भविष्य में, मैं तो नहीं था, भविष्य में पता चलता है कि ऐसबाग से आता है, वो भी प्रपोज किया है कि 5 MLD पानी जो ऐसबाग से फिल्टर पानी हमें चंदन नगर मिलेगा उसको हम पूरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। ये कब से चालू होगा? ये अभी देखिए ये तो लॉन्ग टर्म योजना है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो ट्यूबवेल वाली है वो ट्यूबवेल वाली एक हफ्ते में मिनी नलकूप और 1.5 से 2 महीने में बड़ा नलकूप, ये लग जाएगा, ये प्योर है। एक हफ्ते में इन समस्याओं का निदान होगा। फिलहाल इस समय जो पानी की समस्या, एक मिनट, इस समय जो पानी की समस्या से यहाँ की जनता जूझ रही है, वैकल्पिक फौरी तौर पर क्या उपाय किया गया है? टैंकर नहीं लगता है कि 2-3 टैंकर से इतने बड़े समूह के जो है जलापूर्ति हो पाएगी? 7 टैंकर अभी हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ घनी आबादी, गलियों में इतनी छोटी गलियां हैं कि छोटी गलियों में टैंकर नहीं जा पाते हैं, मेन रोड पे ही टैंकर लग पाता है, छोटी गलियों में टैंकर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम जैसे छोटी गलियों में अभी ये दिखवा ले रहे कि कहीं अगर कोई, और यहाँ एक विवाद और आता है क्योंकि जैसे मिनी नलकूप लगाने में कोई जगह नहीं बसी, किसी न किसी के घर के सामने हमें लगाना पड़ता है, तो जिसके सामने लगता है वो आदमी उसको लगाने मना तो, हाँ। और अभी 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 जैसे आप भैया कह रहे हैं जहां जगह दिलाएंगे कल ही काम शुरू हो जाएगा, मॉर्निंग में आज ही मशीन लगवा देंगे, कल सुबह काम उस पे शुरू हो जाएगा। एक समस्या और आती है, नलकूप जो आपके सेंटर्स बने होते हैं वहां पर ट्यूबवेल ऑपरेटर जो होते हैं वहां पर जो जिनके देख रहे होता है, तो वहां पे तमाम अराजकता की बात सामने आती है, बिजली की जो है दुरुपयोग की बात आती है, तमाम ऐसे लोड हैं जो मोटर पे पड़ते हैं, कभी कभी तमाम, अभी यहाँ पे एक समस्या आई थी, मोटर फूक गए थे, 2 मोटर फूक गए थे, तो इस तरह की भी समस्या आती है, तो इन सबको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? देखिए इसके लिए भी उपाय शासन ने दिया है कि अभी तक क्या होता था कि मैन पावर से ट्यूबवेल चलाए जाते थे जो व्यक्ति वहां पे रह के, अब इसको भी खत्म करने के लिए अभी हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे 155 नलकूप है आलमबाग के हिस्से में, जिसमें से 24 नलकूप
नलकों को हम लोगों ने कंप्यूटराइज कर दिया है, जो अपने आप चलेंगे वहाँ कोई नहीं रहेगा, ताला बंद रहेगा, अपने आप चलेंगे बंद होंगे। और वही ये चीज़, ये योजना धीरे पे सभी पे, क्योंकि बजट के अभाव में वो ये योजना सभी पे लगाई जा रही कि 150 नलकूप जो हैं ऑटोमाइज चले। ये जो शिकायतें हम लोगों को भी प्राप्त होती हैं गलत से, हाँ, तो इसके लिए ऑटोमाइजेशन नलकूप हम लोग करा रहे हैं। मीडिया को बात कर लीजिएगा, समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2024-2025 वित्तीय वर्ष जारी कर दिया गया है, इसके बावजूद भी लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत समस्या है। आलमबाग की सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है कि यहाँ पे 8-10 साल पहले कौन सी योजना उसको बोलते हैं जो बंद हो गई, नहीं, एक वाटर वर्क्स बन रहा था, वाटर वर्क्स की बाउंड्री हो चुकी थी, वो ऑब्वियसली आसियाना और आलमबाग के लिए बन रहा था, जैसे कठौता झील है सेम प्रोसेस पे बन रहा था सरोजनी नगर पास पे, लेकिन उसमें दो कोर्ट केस हो गए थे, विवाद गाँव वालों से जमीन का था, दो कोर्ट केस हो गए थे, एक का निस्तारण हो गया है, एक अभी चल रहा है, वो भी निस्तारण, वो ऑब्वियसली आलमबाग आसियाना के लिए, क्योंकि न्यायालय चला गया तो इसमें शासन भी उसमें थोड़ा, क्योंकि न्यायालय जब तक उस पर डिसीजन नहीं देता है तब तक शासन, क्योंकि उसका यही योजना था कि यहाँ का जो जल स्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि हम लोगों के जो ट्यूबवेल हैं नियमतः 16 घंटे चलने चाहिए, हम उसको 24 घंटे चला रहे हैं, जितनी देर लाइट जाती है सिर्फ उतनी देर ही बंद रखते हैं, बाकी ट्यूबवेल 24 घंटे चलाते हैं। जो पानी का समय होता है उसी टाइम लाइट चली जाएगी पानी कैसे? मैडम आप ये मैंने क्या बताया, ये लाइट की समस्या, आप पब्लिक के साथ में डिपार्टमेंट भी उससे जूझ रहा है, अभी कल आजाद नगर पे दो से तीन दिनों में ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो समस्या इस समय है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। काफी हद तक जो समस्या अभी तक थी काफी हद तक समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी समस्या, जो लोग कह रहे इस बात से मैं एग्री हूँ, अभी भी समस्या है और दो से तीन दिनों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सर इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि आप है इंजीनियर सचिन सिंह यादव और लोगों को आश्वस्त किए हैं कि तीन से चार दिन में, दो से तीन दिन में विद इन वीक पूरी समस्याओं का समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ की जनता इनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जलापूर्ति की समस्या तत्काल समाप्त की जाए। जलकल विभाग के कार्यालय को घेराव और प्रदर्शन के बाद पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम जोन 5 के कार्यालय का घेराव कर दिया और क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र के नाले नालियां बचबचा रही हैं और सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जगह जगह जल भराव का आलम है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गीतापल्ली वार्ड के लोगों ने कहा कि समस्या बरसों से आ रही है लेकिन आज तक गंभीर समस्या दूर नहीं हुई। मौके पर जोनल अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर लोगों का गुस्सा फूट गया और लोग पार्षद के साथ उनके कार्यालय में घुसकर उनके भी टेबल पर अपनी मांगों से संबंधित पैम्पलेट चिपका गए। हंगामे की जानकारी होने पर जोनल अधिकारी नंद किशोर ने पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा से फोन पर बात की और नगर आयुक्त के यहाँ मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर आश्वासन दिया कि क्षेत्र में साफ सफाई और जल भराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। कुछ देर तक प्रदर्शन किए जाने के बाद जोनल अधिकारी के एक प्रतिनिधि कर्मचारी को ज्ञापन सौंपने के बाद पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा ने प्रदर्शन को समाप्त करते हुए कहा कि समय रहते क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो वो आने वाले वक्त में क्षेत्र की जनता के साथ एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों के साथ आज यहाँ आई हूँ नगर निगम की साफ सफाई के जड़ोसों से मिलने। फिलहाल वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है और हम उनको चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और हम लोगों से बात करें जो कि हमारी समस्याएं हैं साफ सफाई से रिलेटेड। जैसे कि आप नाले की समस्या देख लीजिए, जो अभी बारिश का मौसम आने वाला है और उनकी सफाइयाँ अभी तक नहीं हुई है, जो कि नगर आयुक्त जी का आदेश था कि जो है वो 12 जून से 22 जून तक के बीच में सभी नालों की सफाई हो जानी चाहिए, जो अभी तक जिसमें से हमारे यहाँ पे 8-9 नाले हैं स्थानीय नाले, जो अभी तक जिसमें एक या दो मुश्किल से अगर हुए होंगे, बाकी अभी सबकी जैसे हाँ ऊपर ही ऊपर से हुए हैं। अंदर से जो अंदर सिल्ट जमा रहती जब तक वो पूरी तरह से नहीं निकलेगी तो कैसे उसकी बारिश होगी तो वो फिर से भर आएगा। उसी तरह आप सड़कों की समस्या, साफ सफाई की समस्या, अंदर जितनी गलियां हैं आप ऊपरी तौर से
बाहर बाहर सफाई कर देंगे और अंदर तक नहीं जाएंगे, तो उन्होंने जिन्होंने हमें जिस विश्वास के साथ यहाँ पे लाके खड़ा किया है उनको हम क्या जवाब देंगे? वो आके हमारे कार्यालय पे घेरेंगे तो हम यहाँ आके ऑफिस में धरना देंगे और हमारी मांग पूरी करेंगे, नहीं तो हम और बेहद स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। मानसून आने वाला है, क्या इसके पहले नालों की सफाई नहीं की गई है? अभी बिल्कुल भी नहीं की गई है। समस्या बहुत तगड़ी है, यहाँ की समस्या वाटर लेवल सबसे नीचे है। सबको पता है कि गीतापल्ली वार्ड में पानी की समस्या, क्या जोन 5 में ही पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या कितनी अधिक है। जैसा कि लगातार 3 घंटे से गीतापल्ली वार्ड के लोग यहां पर जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पानी की समस्या को लेकर जलकल विभाग का इन लोगों ने घेराव किया, शासी अभियंता का घेराव किया, जिसके काफ़ी देर बाद पहुंचे इन लोगों से शासी अभियंता ने वार्ता की, एक हफ्ते में जल समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं गीतापल्ली वार्ड की पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि भाजपा की पार्षद हैं और जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता के साथ ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जनता की मांगों को पूरा किए जाने की मांग नगर निगम के अधिकारियों से कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, कार्यालय नगर निगम जोन 5 का है। यहाँ पर ये लोग कार्यालय गए थे, यहाँ के जोनल अधिकारी से मुलाकात इन लोगों की नहीं हो पाई है, इतनी संख्या देख कर शायद वो जवाब न दे पाए, वो यहाँ से चले गए किसी मीटिंग का बहाना बनाकर। ये लोग अपना ज्ञापन यहाँ के कर्मचारियों को रिसीव कराया है और इस उद्देश्य से यहाँ से लोग जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्षेत्र की गंदगी की समस्या, नाले नालियों की सफाई की समस्या दूर नहीं हुई तो ये लोग बृहद स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। इसकी शिकायत पार्षद जी मुख्यमंत्री जी से करेंगी। पार्षद जी, क्या क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी यहाँ नगर निगम ऑफिस में हम जिन अधिकारी से अपने साफ सफाई की समस्या को लेकर मिलने के लिए आए थे उनसे तो हमारे क्षेत्रवासियों की कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि वो यहाँ से नदारद नजर आए हैं और उनसे जो भी बात अगर फ़ोन पे ही जो बात हुई है उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हाँ हम 2-3 दिन में समस्या का जो है निदान करने की कोशिश करेंगे और वो मिलेंगे भी आके। और हमने अपना ज्ञापन उनके ऑफिस के ही कर्मचारी को रिसीव कराया है, अगर लेकिन वो अगर हमारी समस्या का निदान नहीं करते हैं तो हम सब फिर जो है इसी वृहद स्तर पर 25 तारीख को हम और बड़ा आके यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जैसा कि हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि नालियों की में इतनी ज़्यादा गंदगी है, सिल्ट है, और ये एक घर की समस्या नहीं है या एक हमारे गली की समस्या नहीं है, पूरे वार्ड में यही समस्या है जो बहुत ही दयनीय स्थिति पे है। मैं तो कहती हूँ कि हर अधिकारी जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनको हफ्ते में भी एक बार आके हर गली में उनको जाके देखना भी चाहिए कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही है किस तरीके से। अगर उनको भी उस गली में अगर एक बार बोलें कि आप भी यहाँ पे एक हफ्ता रह के दिखा दीजिए तो शायद वो एक ही दिन में भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ मजबूरी बस सबको रहना पड़ता है। और हमारा तो उनसे यही निवेदन है कि अगर वो समस्या का निदान करेंगे तो बारिश में लोगों को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ज्ञापन दे चुके, 1 साल से हम बोल रहे हैं कि ज्ञापन दे रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, बीच में कुछ आते हैं बढ़ते हैं और फिर नदारद नजर आते हैं। तो आप बताइए इतने बड़े वार्ड में जहाँ पे 6,000 घरों का हमारे वार्ड की पूरी जनसंख्या घर हैं, तो एक कैसे आप 30-35 कर्मचारियों में कैसे आप पूरे वार्ड की सफाई का जिम्मा ले सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो कि सुनी नहीं जा रही है। और 1200 हमारे वार्ड में पूरी गलियां हैं। सुपरवाइजर से बोलते हैं जो है ये समस्या भी बहुत बड़ी है जो कि पूरी नहीं हो रही है। निश्चित रूप से समस्या गंभीर है, समस्या बड़ी है, जल की समस्या है, पेयजल की किल्लत है, क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, नाले नालियों की सफाई की समस्या है, तमाम बीमारियां पनप रही हैं, लोग घरों में बीमार हो रहे हैं, इस बात को लेकर लगातार ये लोग चिंतित हैं। तभी मजबूर होकर भाजपा पार्षद ऋचा आदर्श मिश्रा जी द्वारा आज मोर्चा खोलना पड़ा है नगर निगम के खिलाफ, और इसी क्रम में यदि समय रहते विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन समस्याओं को दूर नहीं किए तो आपके नेतृत्व में क्षेत्र की जनता बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, यह चेतावनी इन लोगों ने दी है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।